बिस्किट बनाने की सामग्री बताते हैं। गेहूं का आटा 1 बाउल्स, चीनी 1 बाउल्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, मिल्क 1 गिलास से थोड़ा कम और घी 2 चम्मच। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा गेहूं का आटा है। अब इसमें हम डालते हैं घी। सब पहले स्टार्ट तो नहीं थे। ऐसे ऐसे मिक्स करते हैं। अब ऐसे ऐसे इसको मिक्स करते हैं। अब ये मिक्स हो गया है। अब ऐसे आप लोग दाबिएगा, ऐसे हो जाए। ये देखिए, ये देखो बनने लगा है। अब ये समझो परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं दूध। इधर देखा, हम दूध में चीनी मिलाते हैं। पांच स्पून चीनी डाला, इसका घोल बनाएंगे। अब इसको ऐसे ऐसे डालेंगे। ऐसे ऐसे आटा मारेंगे, ऐसे ऐसे गूथेंगे इसको। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे गूथ लेते हैं, बढ़िया स्मूथ सा। अब आटा मेरा गूंद गया है अच्छे से, परफेक्ट। देखिएगा, ये देखो। अब इसकी हम छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं ऐसे ऐसे। ऐसे बना लेंगे सारे गोल गोल बना के बोल। इसको ऐसे दाब देंगे, थोड़ा सा प्रेस करिए इसे ऐसे। अब इसको अब ऐसे है, अब इसको ऐसे करिए। बन गया। अब इधर भी कर दीजिए। बन गया बिस्किट, 2 बन गए हैं बिस्किट। अब ऐसे सारे बना लेंगे। ऑयल डाल लिए हैं। अब ऑयल मेरा हिट हो गया है। अब इसमें डालते हैं बिस्किट। इस तरह से ऐसे डालेंगे। ऐसे और मीडियम आंच रखेंगे इसकी। पलट देंगे। ऐसे ऐसे इसको पलट देंगे। इसी में और डालते हैं। तेज से आंच मत करिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। मीडियम आंच रखना। ऐसे उलट पलट दिए हैं इसको। अब इसको निकाल लेते हैं।
देखिएगा कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो और टेस्टी और मजेदार। ऐसे अब ये ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, अब निकाल लेते हैं। मेरे बन के रेडी हो गए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और भर भर के लाइक देना हमें। हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।